And gentlemen, it's so very enthralling, and what a lovely feel to be back again on this stage. Couple of years have passed, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त गुजर जाता है, यादें कभी नहीं जाती. एक जमाना था जब हम लोग इसी तरह से यहां मिलते थे, एक अपने ग्रुप में, और आज फिर एक मर्तबा हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम सबके अंदर एक कॉमन फैक्टर है, एंड दैट इज सपना वजीर, सपना अ फिलान्थ्रोपिस्ट, सपना अ गिवर, सपना अ ग्रेशियस गर्ल, सपना ओनली नोज टू गिव. Give and give. I don't think anybody around here, इस entire महफिल में कोई ये कह सकता है कि सपना ने कभी किसी से कुछ लिया है. उसने अपना प्यार बांटा है, अपनी दौलत लुटाई है, और हर वक्त यही सोचा है कि जिंदगी के अंदर मैं खुशियां किस तरह से बांटूंगा. आज खाली मारना है तो खुल के मारो दोस्त, मुझे बहुत मजा आएगा. तो ये बोलना चाहूंगा कि ये मेरा एक फेवरेट प्रोग्राम बन गया, इसलिए कि आई लव परफ्यूम्स, आई लव फ्रेग्रेंस, एंड आई हैव ऑल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, सो दिस इज माय फेवरेट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू दैट. एंड डेफिनेटली आपने सिर्फ एक साइड को कैप्चर नहीं, ये दोनों मतलब लड़का लड़की को पकड़ लिया, फीमेल एंड मेल. सो इट्स या so of course this is going to be a very successful I'm sure I'm definitely very sure. So wish you all the best, and of course Prithvi, a friend of mine, of course we have worked together so much, right? After my own heart fragrances mujhe bahut pasand hai, so let's hear it for Sapna. And I just was introduced to her by my very dear friend, सिंगर रैपर कंपोजर डिनेरो एश, जिनके साथ मैंने बहुत सारे हाल ही में बहुत सारे सॉन्ग्स भी करे. एंड सपना, मैं सिर्फ आपके लिए अपने दिल से दो लाइनें गाना चाहूंगी. सो आई नो विच सॉन्ग, अभी यू कैन रिक्वेस्ट, आपको कौन सा मेरा सॉन्ग पसंद है, बिकॉज दिस इवनिंग इज ओके डन. वेरी डीपली एंड सीइंग डेथ वेरी क्लोजली, so I realized that are we really living a real life to embrace death happily? And then suddenly I thought that I want to spread fragrance, and then it just came to my mind that whatever earnings I would make from this, I would donate it to Mother Teresa home in Gilleparle West, St. Teresa School. That's about it. Nothing more. It just came to my mind, and I wanted everybody to bless me to live my cause. So thank you very much, all of you. Everybody has come whenever I have called. Each and everyone has always helped me, always supported me in each and everything. Thank you very much. I want to call Raja Maske on stage. He's been the most supportive person in my life. I know him 26 years, I go back 26 years. And he's been the most loving brother I have. And Mukesh, of course. Raja will speak something. राजा को मैंने बोला था कि आप कुछ बोलो तो मुझे डांट के फटकार के भेज. ब्रांड आपने लॉन्च किया, कितने एक्साइटेड? ये इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, ये मेरा सरनेम है, और मैंने इसलिए ये परफ्यूम लॉन्च किया है ताकि मैं इसमें से जो भी कमाऊँ मदर टेरेसा ऑर्फनेज में डोनेट करूँ. बस मैं सिर्फ अपने खुशी के लिए ये परफ्यूम लॉन्च किया, दैट्स इट. और ये कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, अभी 15-20 दिन के बाद शायद मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, प्रोडक्शन चालू है. यू विल फाइंड इट इन एवरी मॉल, and it's not very expensive also, everybody can afford and everybody should buy, so that it goes for a noble cause. Thank you. और ये कहाँ कहाँ पे, मतलब ये हर मॉल में मिलेगा, हर
शोरूम्स जहाँ भी हाँ जहाँ भी परफ्यूम एवरी मॉल यू विल फाइंड दिस परफ्यूम एंड एवरीबडी शुड बाय. थॉट्स कहाँ से आया आपके बारे में? मैं ऐसी हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी आता है मैं कुछ भी कर लेती हूँ. मेरे दिमाग का कोई ठीक नहीं है. आप वजीर दिख रहा हूँ. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. कैसा? बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये बहुत चलेगा और बहुत अच्छी स्मेल है. थैंक यू जी. अभी आपको ही पता चल जाएगा. अभी आपको एक वीक के अंदर हमारी मार्केट में आ जाएगा सब, फिर आपको पता चल जाएगा. आप खुद यूज करना, अच्छा फ्रेग्रेंस है वगैरह सब और अच्छा सेल भी होएगा. आप कितना परफ्यूम को मतलब वो करते हैं? हम दिन भर में हाँ ये काफ़ी टाइम इसका स्मेल भी रहती है और अच्छा भी रहता है सर. तो ये खरीदना बहुत ज़रूरी है आपको लोग को भी. और एक वीक के बाद मार्केट में आ जाएगा तो आप खुद यूज़ कर लेना. क्या प्लान है इंडिया से बाहर भी कंट्री में देखेगा? हर स्टेट में फ्रेंचाइजी इसकी देखेंगी मतलब? पहले तो मेरी तो इच्छा है वर्ल्ड वाइड ये परफ्यूम लोगों को दिखे, परंतु शुरुआत हमारे मुंबई से करें. मुंबई में अगर सक्सेस हो गया तो देश के दुनिया के हर कोने में परफ्यूम जाएगा. और सपना जी पे मुझे पूरा विश्वास है. मैंने कहा था ना कि एक कहावत मैंने कहा था कि रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ी रिस्क है, और सपना जी रिस्क ले जाती और इस बात पर मुझे काफ़ी अभिमान है. और ये भविष्य में सबसे बेस्ट परफ्यूम में होगा ये मुझे पूरा विश्वास है. तो वजीर जो प्रोडक्ट है परफ्यूम है एक पर्सनालिटी के लिए कितना यूजफुल होता? आप खुद भी मतलब यूज करते होंगे कहीं जाने के लिए? हर इंसान के लिए आज के डेट में पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़्यादा परफ्यूम का फ्रेग हर कोई इस्तेमाल करता है. लेकिन आप ये देखिए जो डिज़ाइन बॉटल की बनाई है वही काफ़ी आकर्षित है. और जो ब्रांड है वजीर अपने आप में वो सरने में उसका ब्रांड है, उसी ने और उसी ब्रांड को उसने लॉन्च किया. तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि भविष्य में वजीर के नाम से हम ये बोलेंगे हम सपना वजीर के जो ये वजीर का परफ्यूम देख रहे हो हमारे खास दोस्तों में से, उसके लिए उसके ज़्यादा हमें गर्व इस बात का महसूस होगा. सर आप क्या क्या कह रहे हैं मतलब इस तरह वजीर जो प्रोडक्ट अपने आप में एक बड़ा नाम है, वजीर अपने आप ही नाम है परफ्यूम प्रोडक्ट लोगों के लिए पर्सनालिटी एक बहुत मेंटेन करना मायने रखता है, कितना बड़ा आप बताइए कितना शौक है परफ्यूम के और सपना जी की क्या शुभकामनाएं? मैं तो बिल्कुल सर के साथ ही हूँ और एंड आई बिलीव के वजीर एंड द बॉटल शेप दैट ही इज टॉकिंग अबाउट आई हैव आल्सो सीन द बॉटल बहुत ही खूबसूरत है, स्मेल इज परफेक्ट. तो वो कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इश्क किसी से हो तो उसकी खबरें पूरे मोहल्ले गांव शहर में पहुंच जाती है, और मुश्क अगर अच्छा हो तो उसकी खुशबू दूरों से आ जाती है. तो लोग बोलते हैं जब आप न्यू एंटर रही से यार क्या परफ्यूम लगाया हुआ है यार क्या कलर लगाया हुआ है व्हाट इज दिस. सो आई एम गोइंग टू से that Wazir's is going to rock. It's going to bring out a new flavors in different flavors that they're coming up with har tarike ke, and plus when you smell good you feel good. So big up to Sapna for coming up with it, big up to him for coming up with the great launch of Wazir's perfume. Is right coming up to you guys. Support, wear it and tell us what you feel about it. काफ़ी अच्छे आप सिंगर हैं, रैप भी करते हैं. मैंने पूरे मतलब दिनों में बन जाते हैं जब भी आप गाते हैं. तो कभी ऐसा प्रोडक्ट पे मतलब कोई ऐसे सॉन्ग या न्यू प्रोजेक्ट आने वाले हैं या कोई परफ्यूम को लेके आने वाले टाइम के लिए हम बताएंगे कि सारे राजा होंगे शस्त, सारे राजा होंगे व्यस्त और सारे राजा होंगे नष्ट. चलेगा वजीर के लॉन्चिंग में आए सपना जी, क्या शुभकामना होगी और कितना है आप परफ्यूम को मतलब वो है? आए हाय वजीर आला कमाल का है ये परफ्यूम, जिसको जॉनी लीवर ने लगाया तो जॉनी भाई बोलेंगे बाबा क्या परफ्यूम है, और कसम से इरफान खाने लगा तो भैया क्या कर रहे हो वे.
ऐसा परफ्यूम इतना प्यारा पहली बार आया है, समझते हो ना। अजय देवगन साहब बोलते हैं कि सॉरी यार दुनिया बेकार, ऐसा परफ्यूम पहली बार आया यार। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं तो आप जानते हैं रोहित प्यारे एक्टर कॉमेडियन, और लेकिन मुझसे बड़ी एक्टर खड़ी है, एक्ट्रेस सॉरी एक्ट्रेस खड़ी है, जिनका नाम गजल प्रीतो है। गजल प्रीतो, और आप लोगों ने तो उड़ारियां सीरियल देखा होगा, उनमें बड़ा अच्छा नेगेटिव रोल किया है इन्होंने, बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी, और स्पेशल चंडीगढ़ से यहाँ आई है इस परफ्यूम के लिए। तो गजल जी बोलिए कुछ। हेलो दोस्तों, मैं गजल प्रीत चंडीगढ़ से आई हूँ, और मुझे प्यारे जी ने, रोहित प्यारे जी ने बुलाया था यहाँ पे परफ्यूम की इवेंट्स के लिए, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग गया। बात को प्लीज आप जरूर छापना, ही इज द ब्रिलियंट हमारे पृथ्वी सर, हमारी जान है, हमारे कलेजे हैं, हमारे गुर्दातड़ी फेफड़े हैं, इनको देखते हैं तो हमारा दिल जिगर गुर्दातड़ी फेफड़ा यहाँ खुद ब खुद खींच लेते लेके आता। अभी सर ये वजीर जो है ये राजा का वजीर बन के रहेगा, ये मेरा वादा है। और सर ये सब दोस्तों ने कहा है और इतने प्यार से कह रहे हैं कि सर लाइव में कभी भी स्मेल आए तो प्लीज़ वजीर परफ्यूम जरूर लगाएं। यस हाँ सर, वजीर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो सपना मान लिए, सपना साकार हुआ जाके। मैंने मेहनत कुछ नहीं की, मेरी वाइफ ने मेहनत की, ये सपना की मेहनत है, हमारे फैमिली नेम से हमने शुरुआत की है, वो सपना वजीर है और मैं पृथ्वी वजीर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम चाहने वालों से कि आप लोगों को जब भी किसी अच्छी खूबसूरत खुशबू की ज़रूरत पड़े तो आप वजीर फ्रेग्रेंस ज़रूर लगाइए, उसका नाम है सेंसेशन। थैंक यू सेंसेशन। और एक और चीज़, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये पूरी की पूरी औरत ही कामयाबी के पीछे पड़ी है, तो आदमी तो वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा। डन, होप सो, थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि सर का नाम जो है अजान अली वजीर है, तो वजीर फैमिली ने प्लान किया कि वी फॉर वजीर, वी फॉर विक्ट्री भी होता है, तो वजीर परफ्यूम और विक्ट्री का बहुत बड़ा कनेक्शन है कि अगर वजीर परफ्यूम लॉन्च हुआ है तो विक्ट्री करेगी पूरी ये। और ऑलरेडी सर ने जब पहली फिल्म अपने दिल का कसूर किया था वो विक्ट्री की थी पूरी, तो ये परफ्यूम भी विक्ट्री करेगी। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जो परफ्यूम में जो वी का जो सिम्बुल दिया गया है, जो पृथ्वी जी से कनेक्टेड है, फैमिली से कनेक्टेड है, तो परफ्यूम एक्चुअली हर खुशबू जो है ना हर किसी की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर आती है, कनेक्ट करता है लोगों को, और पृथ्वी सर है तो फिर तो डेफिनेटली हर किसी को दिल जिगर जो भी हर चीज़ है। ये परफ्यूम लगाएगा उसकी खुशबू हम तक ज़रूर पहुँचेगी, ये वजीज फ्रेग्रेंस का वादा है। थैंक यू। उसके अलावा सर और काफ़ी सालों बाद आप हमें मतलब नज़र आए हैं, जो दिल का कष्ट मतलब पिक्चर है फिल्म है, मतलब दिलों में मतलब आज भी उसके गाने उसके जी इमोशनल करते हैं लोगों को देखते जब पिक्चर है, तो क्या रीज़न है मतलब इतना सालों बाद? मैं खुद को ढूंढ रहा था इतने सालों में, अब मुझे लगा कि मैं अपने आप को ढूंढ चुका हूं और मुझे मेरे चाहने वालों के सामने पर्दे पर आना चाहिए, तो मैं एक फिल्म लेकर आ रहा हूं धाक, जो बहुत जल्दी अक्टूबर में रिलीज़ होगी, उसमें मेरा एक बहुत अच्छा किरदार है और न्यू स्टार कास्ट है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा धाक फिल्म। थैंक यू। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी सर के बारे में, जब मैंने सर की मूवी देखी है दिल आशना है, दिल का क्या कसूर, एंड उसमें एक फेवरेट सॉन्ग था मेरा, बहुत प्यारा सॉन्ग है, और मैं हमेशा मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ परफॉर्म करूँ कभी। सर का फेवरेट सॉन्ग जरा गुनगुना दीजिए हमारी पब्लिक के लिए। वो जो कैंडल के साथ गाया था आपने, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है, वाह वाह। ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, जब दिव्या भारती वो रो रही होती है एंड ये मतलब वो हॉस्पिटल में होती है एंड ये यहाँ पर गा रहे होते हैं, तो इट वाज अमेजिंग सीन। थैंक यू, वेलकम। तो एक्चुअली कि बहुत सालों के बाद अगर पृथ्वी जी पर्दे पे आ रहे हैं तो उसकी भी वजह थी जो उन्होंने बता दी कि खुद को खुद में ही खोज रहे थे वो, अब फाइनली वो टाइम पूरा आ चुका है, तो बैक टू बैक इनकी फिल्में अभी बैक टू बैक चल रही हैं और इवेंट्स भी काफ़ी सारे कर रहे हैं, लोग इनसे जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो चुके हैं, फेसबुक पे एक्टिव हो चुके हैं पृथ्वी वजीर के नाम से, तो आप लोग वहाँ भी इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सर इतने सालों में आपने अपने आप को बहुत मेंटेन किए, बहुत सारे एक्टर्स हैं, ये बहुत बड़ा राज है, मैंने देखा कि बहुत सारे मतलब गायब हो गए, बहुत सारे कुछ हो गए, मतलब आपका ये मतलब पर्सनालिटी के पीछे क्या रीजन है? बस मेरे चाहने वालों का प्यार है जो मुझे इस तरह रखा है।
एक्चुअली मैं भी इन चीज़ों से बहुत कंफ्यूज था कि सर इतने मतलब इतने टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं और आज भी पर्सनालिटी को वैसे का वैसा मेंटेन रखा हुआ है। माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है ये, इसी की वजह से ऊपर वाले का करम है और मेरे पब्लिक मेरे चाहने वालों का प्यार है। सर एक आपने आपकी फिल्म का एक गाना जरा हो जरूर आपके मुँह से जो आपका जो फेवरेट था। खता तो जब हो के हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। आप लोग मुझे यूं ही चाहते रहिए, आप लोग की कोई खता नहीं होगी इसमें, किसी का कोई कसूर नहीं। थैंक यू सो मच।